वाई न्यूमेरिकल हैव ओनली 10 यूनिट्स? अंकों में सिर्फ 10 इकाइयां ही क्यों होती हैं? आप जानते हैं? नहीं जानते तो आप जान जाएंगे। हेलो, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं हूँ निष्ठा। तो आज का मेरा सवाल है, अंकों में केवल सिर्फ 10 इकाइयां ही क्यों होती हैं? इसको जानने के लिए हम पढ़ते हैं, ठीक है। सभी संख्याएं 10 इकाइयों से बनती हैं, मतलब सब 10 यूनिट से ही बनती हैं। ये हैं 0 to 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 0। दशमलव की सभी संख्याएं भी इन्हीं 10 इकाइयों से बनती हैं। जो हम 0 लगा के बनाते हैं वो भी इन्हीं से बनाते हैं। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि अंकों की भिन्न भिन्न आकार की केवल 10 इकाइयाँ ही क्यों होती हैं? लेकिन इस प्रश्न की पूरी तरीके से सही उत्तर नहीं दिया जा सकता है। कुछ लोगों का विचार है कि प्राचीन काल में मनुष्यों ने अपनी उंगलियों का उपयोग करके गिनना सीखा था, ठीक है। यह विधि उनके लिए सरल भी थी और वो गिनने के लिए अपनी उंगलियों का प्रयोग बिना किसी परेशानी के कर सकते थे और कोई साधना भी नहीं करनी पड़ती थी उनको। यह सभी के द्वारा माना गया तथ्य है कि प्राचीन काल में से ही मनुष्य ने अंकों को लिखने के लिए अपने तरीके अपनाए हैं, जैसे कि 10 अंकों प्रकट करने के लिए 10 लाइनें बना देना, 10 चिड़िया या पशु के आकार बना देना। यह विधि प्राचीन काल के मिश्रवासियों में प्रचलित थी। यह वहाँ के प्राचीन स्मारकों और ढांचों में आज भी पाई जाती है। वास्तव में प्रत्येक सभ्यता ने अंकों को लिखने और उनका उपयोग करने की अपनी अपनी विधियां विकसित कर ली हैं। रोमवासियों ने गणना के लिए विशेष चिन्हों का आविष्कार किया था। ऐसे चिन्हों को न्यूमरल्स कहा जाता है। सैकड़ों सालों तक लोगों ने रोमन न्यूमरल्स का उपयोग किया, लेकिन वे लिखने में असुविधाजनक थे। बहुत मुश्किल होती थी उनको लिखने में, क्योंकि उसमें 0 नहीं था, 0 कहीं पर भी नहीं था। 0 का या 0 का आविष्कार हो जाने के बाद गिनती करना बहुत आसान और सरल हो गया था। 0 का आविष्कार 16वीं शताब्दी में भारत द्वारा किया गया था। ये तो हम सभी जानते हैं कि 0 भारत में ही इन्वेंट हुआ था। इसके बाद अरब यात्रियों द्वारा 0 यूरोप पहुंच गया। 0 का आकार मिल जाने से किसी भी संख्या को लिखना आसान हो गया था। अंक के भागों जैसे 1/2, 1/4 या 3/4 को दशमलव, मतलब डेसिमल के रूपों में सरलता से लिखा जाने सका, जैसे 0.50, 0.25, 0.75 ऐसा। वास्तव में संख्याओं को प्रकट करने के कई तरीके हैं। दिन प्रतिदिन के जीवन में संख्याओं को किलोमीटर, लीटर, मीटर आदि के साथ प्रकट किया जाता है। यह जानना बहुत रोचक होगा कि कंप्यूटर ऐसी प्रणाली का उपयोग करते हैं जिसमें 1 और 0 इन दो अंकों का भी उपयोग किया जाता है। इसे बाइनरी सिस्टम कहते हैं। आजकल की संख्याओं वाले कंप्यूटर्स में यह सिस्टम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंप्यूटर संख्याओं और शब्दों को एक ऐसे कोड्स में बदल देता है जो 0 और 1 पर निर्भर करती हैं। इन्हीं कोड्स द्वारा यह विभिन्न गणनाएँ करती हैं, कैलकुलेशंस करती हैं। 5000 वर्ष पूर्व बेबीलोनिया के निवासियों ने सबसे पहले अंकों का उपयोग शुरू किया था। आज इंग्लिश में जो अंक हम लिखते हैं 1, 2, 3, 4 उनका उपयोग किया जाता है, उन्हें हिंदू अरेबियन संख्याएं कहते हैं। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, ये संख्याएं भ्रमणशील अरब यात्रियों, मतलब घूमने फिरने वाले जो अरब यात्री यहाँ आए वहाँ गए, द्वारा 12वीं शताब्दी में भारत के साथ अरब तथा यूरोप पहुँची थी। तो अभी तक हमको ये एक्चुअल में पता नहीं चला है कि अंकों की केवल 10 इकाइयां ही क्यों होती हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो हमारे पुराने एंसेस्टर्स थे वो अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते थे गिनने के लिए, इसलिए शायद सिर्फ 10 ही इकाइयां होती हैं, जिसमें से 0 बाद में ऐड किया गया है। तो जब 0 ऐड हुआ उसके बाद ये बहुत सरल हो गया कि हम 10, 20, 30 आराम से लिख सकें। तो ये जो आज का हमारा सेक्शन था वो एक जानकारी भरा सेक्शन था। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये जानकारी सही लगी या नहीं लगी, इसमें क्या गलत था क्या सही था, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ऐसे ही आते रहिएगा मेरे वीडियोज़ देखने के लिए। तो आज के लिए बाय।